अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट अदनान और आप देख रहे हैं अदनान टेक टीवी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर मैं आप सभी दोस्तों को जीबी व्हाट्सएप का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटिंग के बारे में बताऊंगा। ये सेटिंग आपको फ्यूचर में कभी भी काम आ सकती है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो चलिए आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को बताऊंगा कि जीबी व्हाट्सएप पर अगर आप लॉक लगाकर भूल चुके हैं, आपको पासवर्ड याद नहीं है, आपको पैटर्न याद नहीं है, आपका जीबी व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा है, सो कैसे इसको ओपन करना है और कैसे पासवर्ड को रीसेट किया जाता है, इसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे। सो वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो को एंड तक देखना लाजमी है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस तरह से पासवर्ड को अगर आप भूल चुके हैं, पैटर्न आपको याद नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप सभी दोस्तों को बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कैसे रीसेट जाता है। आपको यहाँ पे पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट यहाँ पे रिकवरी क्वेश्चन को सेट करने बोलता है। अगर आप रिकवरी क्वेश्चन सेट करेंगे तभी आप रीसेट कर पाएंगे। सो चलिए जानते हैं कैसे रिकवरी क्वेश्चन को सेट किया जाता है। सो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं पहले जीबी व्हाट्सएप को। जीबी व्हाट्सएप को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे रिकवरी क्वेश्चन को सेट किया जाता है। सो यहाँ सबसे ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करके सबसे ऊपर यहाँ जीबी सेटिंग्स पर क्लिक करना है। जीबी सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर वाले ऑप्शन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगी। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्सअप लॉक। तो यहाँ पे व्हाट्सअप लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट है, पैटर्न है, पिन है, कोई भी लॉक आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे चेंज पैटर्न और यहाँ पे दूसरे नंबर पे रिकवरी क्वेश्चन। तो यहाँ रिकवरी क्वेश्चन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। रिकवरी क्वेश्चन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है कि रिकवरी क्वेश्चन को सेट करना है। जो भी क्वेश्चन आप लिखोगे और उसका आंसर यहाँ नीचे लिखोगे, वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जब आप पासवर्ड को रीसेट करोगे, जब आप पासवर्ड को भूल जाओगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल लिखना है, बहुत ही आसान लिखना है, जो आपको याद रहे। तो यहाँ पे हमने लिखा व्हाट इज़ योर नेम। तो नेम तो सभी का याद रहता है, तो हमने यहाँ पे नाम लिख लिया, व्हाट इज़ योर नेम लिखा क्वेश्चन, और यहाँ पे आंसर में अपना नाम लिख लेता हूँ। तो ये तो कभी भी मुझे याद रहेगा, ये पासवर्ड मैं कभी नहीं भूलूँगा, ये क्वेश्चन कोई नहीं भूल सकता अपना नाम। तो इसको हमने सेट कर लिया रिकवरी क्वेश्चन में, मेरा नाम मैंने सेट कर लिया क्वेश्चन आंसर में। अब चलिए चलते हैं बैक, और बैक जाकर मैं आप सभी दोस्तों को बताता हूँ कि अगर अब व्हाट्सअप लॉक हो जाए तो कैसे उसको रीसेट करेंगे, उसका पासवर्ड को कैसे रीसेट करेंगे और कैसे व्हाट्सअप को अनलॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं बैक, मैं आप सभी दोस्तों को दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे हमने व्हाट्सअप को ओपन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक लग चुका है और पासवर्ड को हम यहाँ पे भूल चुके हैं, कोई भी पैटर्न काम नहीं कर रहा है। आप इस तरह से भूल चुके हैं, आपका कोई भी पैटर्न काम नहीं कर रहा है, आपको याद नहीं है कैसे पैटर्न आपने डाला था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, आप देख सकते हैं रीसेट लिखा हुआ है नीचे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब रीसेट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, तो रीसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो क्वेश्चन आपने वहाँ पे सेट किया है। तो हमने वहाँ पे क्वेश्चन सेट किया था व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा सिंपली, और नाम लिखने के बाद आप ओके कर देंगे फिर आपका व्हाट्सअप अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपना नाम डाला तो इनकरेक्ट बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर में नाम डाल दिया और वहाँ पे मैंने लिखा था आंसर में कैपिटल लेटर में, तो यहाँ भी कैपिटल लेटर में डालना होगा। आपको याद रखना है कि जिस तरह से आप वहाँ पे रिकवरी क्वेश्चन में पासवर्ड, आपको याद रखना है कि जिस तरह से आप रिकवरी क्वेश्चन में सेट करेंगे इसी तरह से यहाँ भी करना है, फिर ओके कर देना है, फिर आपका व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा व्हाट्सअप ओपन हो चुका है। इस तरह से आप भी रिकवरी क्वेश्चन सेट करके रखिए, आपको फ्यूचर में कभी भी काम आ सकती है। अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे, पैटर्न भूल जाएंगे, तो रिकवरी क्वेश्चन सेट करके रखेंगे तो आप कभी भी अपने व्हाट्सएप को ओपन कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।